अरे जो आता है कोनो अमृत पी के आया है क्या, कोई जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु तय है, ये जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। बीजेपी कहती है उसी बात को क्यों पूछा जा रहा है, जब सभी विपक्ष दल के सभी नेताओं ने खुल करके एक ही बात कही है कि बैठक किस लिए होने जा रहा है, वो तो स्पष्ट कर ही दिया सब लोगों ने कि बिहार में जो बैठक हो रहा है ये एक संकेत है कि आगे जो है परिवर्तन होकर के रहेगा। अब परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे ज़रूरी है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी हो रहा है, ये देश की जनता का चुनाव है, तो देश की जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा, मोदी के नाम पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। एक व्यक्ति को बनाना है हटाना ये बात उस विषय है ही नहीं, इस बात को सब लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट हो जाइए। ये हमारा जो देश के लोग हैं ये उनका चुनाव है भाई, उनको चुनना है अपनी सरकार, उन्होंने आकलन किया है। और देश की जनता गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, तो उस आधार पे होगा। हम लोग अपना नीति क्या बनाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा, अपनी बात रखेंगे। कितना अहम दिन मानते हैं 23 तारीख को, कितना अहम दिन मानते हैं कि आप लोग पूरे देश में घूमे आप और नीतीश जी, काफी अथक प्रयास। अरे ये बैठक हो रहा है, सब लोग इसमें आएंगे, कोई पहला और अंतिम बैठक नहीं होगा, और भी बैठकें होंगी। जीता ना तो भाई सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे, क्या नीति होगा, क्या कार्यक्रम होगा। अरे भाई सब सब किस जो भी विपक्ष के दले हैं सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना एजेंडा रखेंगे। उससे क्या लेना देना है, जाएंगे मोदी नहीं, जो आता है वो जाता नहीं है क्या। अरे जो आता है कोनो अमृत पी के आया है क्या, कोई इस दुनिया में तो एक गलत फहमी है, जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु तय है, और सत्ता किसी की बखौती नहीं है, जो आता है वो जाता है। हम लोग सत्ता में थे तो कोई सोचता था कि हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग भी हटे, विपक्ष में बैठे, तो यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की।